मानना पड़ेगा रोशनी, पाक रोड के राज के चक्कर में तुमने जिस तरह से जय वाली को फंसाया, that's really unbelievable. मैं जानती हूँ सारी जिंदगी जय बच्चे के लिए कितना तरसा है. तुम पर जो हमला हुआ था उसके बारे में पुलिस को कोई सुराग मिला? जय इस केस में तुम्हें किस पर शक? मेरे अटैकिंग की शक. कल पुष्कर पुलिस स्टेशन गया था जय के अटैकर की पहचान करने. पुष्कर ने किसी को पहचाना? पता चला कि जय पे अटैक किसने किया? दी के मन में मिस्टर वालिया के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है राम. सही वक्त आने पर मैं दी को सब कुछ बता दूंगी और उनको डिवोर्स दिलाने में मैं मदद करूंगी. कि मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ने से उसे कितना नुकसान हो सकता है? जय का फैसला है. जय फैसले लेते वक्त नुकसान की परवाह नहीं करता. जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मौत को भी एक्सीडेंट साबित होगा. सबसे तुम अपनी जिंदगी में वापस आई मेरा जीना ही हराम हो गया. मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दिल दिल करके बातें लिखना चाहती हूँ. अगर ये काम रोशनी का नहीं तो फिर कौन है? कौन है जो मेरे और रोशनी के अलावा इस राज को? मुझे कौन भेज रहा है? शर्म कौन हो सकता है जो अब तक मेरी नजरों के सामने आया तक नहीं? मैडम हम क्या करें, सबसे पहले बानी मैडम को सुबह पिकअप करना है और शाम को सबसे पहले ड्रॉप करना है. अरे
मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, कोई बीकर गाड़ी चला रहा था, ये तो मैं था कि सबको बचा लिया। जानते हो कि मैंने ये कंपनी क्यों खरीदी? क्योंकि बानी यहाँ पर काम करती है, इसलिए तो मैं सारी फैसिलिटीज इस कंपनी को ऑफर कर रहा हूँ। ये सारी फैसिलिटीज इतने कम प्राइस में ऑफर करना आसान बात है, पर आई डिड इट क्योंकि मैं बानी को हर तरह से सेफ रखता हूँ। और आज ये ड्राइवर बानी को तो खुद जाने को मैं क्या करूँगा, कैसे भी करूँ, मेरी बीवी है, मेरे साथ मेरी जिंदगी की खींचे कैसे ठीक हो जाए। मैं ये भी नहीं जानता कि खींचे कौन करता है, इतना जानता कि मौत भी नहीं। बकू नहीं असर तो पता मेरे पीछे कौन। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? ठीक था पुष्कर, जैसे बाकी के दिन होते हैं वैसे ही था। कमाल है, मुझे तो लग रहा था कि ऑफिस के बारे में ढेर सारी कहानियां बताओगी। छोड़ो ना, लोग हर जगह वैसे ही होते हैं जैसे वो होते हैं। तुम बताओ। आज का दिन तो काफी नॉर्मल था, पर भैया मैं तुम्हें कल के बारे में बताना भूल गया। मैं बानी को लेकर हॉस्पिटल गया था उसके सोनोग्राफी टेस्ट के लिए। बानी बता रही थी सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अपने बच्चे को मॉनिटर पे देखना, उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना, इट्स अमेजिंग किया। ये बच्चे उनकी प्रॉब्लम से हमें क्या लेना है? ये शॉक तो उनके लिए होता है जो उसे अफोर्ड कर सके, जैसे मिस्टर वाले हमने। तने पिया तुम मेरी बातों का क्या मतलब निकाल रहे? मैं तो तुम्हें बस उस एक्सपीरियंस के एहसास के बारे में बता रहा था। तने तुम्हें क्या लगा? पुष्कर मेरी समझ में नहीं है कि तुम सडनली बच्चों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। या अगर मैं बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नहीं पुष्कर, मुझे अभी अपने लिए वक्त चाहिए, बच्चे नहीं। या मैंने बच्चों के लिए तुम्हें पोस्ट नहीं किया, और मैं बच्चों के बारे में सोच सकता हूँ? नहीं पुष्कर, तुम अभी बच्चों के बारे में सोच भी नहीं सकते। या तुम क्या कह रही हो? पुष्कर तुम अभी जितना कमा रहे हो वो मेरी जरूरतें भी पूरा नहीं कर सकते, तुम बच्चों के बारे में सोच कैसे सकते हो? या बच्चे तो गरीबों के घर में भी पैदा होते हैं जहाँ किसी की कोई जरूरत पूरी नहीं, और मैंने तुम्हें बच्चों के लिए कोई दबाव तो नहीं डाला है, पर तुम मुझे बच्चों के बारे में सपने देखने का हक भी नहीं दोगी। अरे अब तो मेरे पास जॉब भी है और मैं अच्छे पैसे भी कमाता हूँ। तुम जितना कमाते हो उसमें सिर्फ तुम्हारा गुजारा हो पाता है, उसके ऊपर तुम्हारी फैमिली भी तुम पे डिपेंडेंट है। मैं शिकायत नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई बदल जाती है। मुश्किल हम हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस जी रहे हैं। मैं जॉब कर रही हूँ ताकि घर में और पैसे आ जाए, लेकिन जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये मैंने कभी नहीं चाही थी, और ऐसी अपने बच्चे के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये तुम्हारा फैसला और तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर, लेकिन तुम्हारा ये बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है। तुम मुझे लूजर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं देखा, ये मेरा दोष नहीं। और एक और बात कि इस रात मैं तुम्हें नहीं कर सकती। किसने कहा तुम्हें बाबर नहीं? मैं बुरा लगता हूँ, मेरा सपना देखा तुम्हें बुरा लगता, तुम्हारी यही सब बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ दिए लिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर मुझे इम्तिहान कर रहे हो। अगर तुम्हें मौका मिला होता शादी का फैसला कब तक बदल देती? तुम्हें कुछ और जो तुम्हें मुझसे नहीं मिल पाया,
नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पूरे पैसे लेने के बाद भी तुमने अपना काम खत्म क्यों नहीं किया? क्या कर रहे हो? पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, उससे मुझे क्या लेना है? मैंने तुम्हें काम करने के लिए पैसे दिए, बकवास सुनने के लिए नहीं। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को भी अभी जाना था, पता नहीं कैंडल्स भी कहाँ होंगे। का पहला दिन कैसा रहा? तुम जानती हो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी छोटी सी रानू इतनी बड़ी हो गई है और ऑफिस के इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है। दीदी, ऑफिस का काम तब तक आराम से चलता है जब तक प्रोजेक्ट फाइल्स में है। प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट शुरू होते ही ना असली काम शुरू हो जाता है, और तब मैं सच में बिजी हो जाऊंगी। ओह गॉड प्लीज, अब हम ऑफिस की बोरिंग बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है। तो प्लीज हम खाना खा सकते हैं?
ऑफिस में भेजा होगा। कहाँ है वो आदमी और उसने क्या कहा है? मिस्टर वालिया, हम उस आदमी से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते। उसने हमें सिर्फ यही बताया कि उसने जो कुछ भी किया है किसी के कहने पर, किसके कहने पर किया वो उसने अब तक नहीं बताया। अब तक नहीं बताया तो दोनों बड़ी मिस्टर वालिया, हम सच्चाई जानकर ही रहेंगे। पहले आप उस आदमी को पहचान तो लीजिए, बाकी सब सच को कैसे उगलवाना है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं। बोला ले आओ उसे। पैसे आप इनसे पूछ लीजिए क्या ये मिलने आए।